नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबर शर्मा और आज आपके साथ फिर उपस्थित हैं दास्तान सीजन 3 में एक और नई कहानी लेके। और आज की जो कहानी है वो हमें फिर से मुंबई माफिया की ओर लेके जाएगी। आज की कहानी में आप जानेंगे कि कैसे छोटा राजन बैंकॉक अटैक के बाद कहां कहां गया और किन किन लोगों ने उसका साथ दिया, और साथ ही अंत में आप ये जानेंगे कि कैसे छोटा शकील ने उसको ऑस्ट्रेलिया में ट्रैक किया। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंकॉक अटैक की प्लानिंग की पूरी कहानी मैं दास्तान सीजन 3 के एक एपिसोड में ऑलरेडी सुना चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ बैंकॉक से छोटा राजन जो है कंबोडिया पहुंचा, और कंबोडिया भी वो भरत नेपाली और संतोष शेट्टी की मदद से पहुंचा। अगर मैं कहूं खासकर संतोष शेट्टी की मदद से पहुंचा, क्योंकि संतोष शेट्टी के जो अपने कनेक्शंस थे बैंकॉक के और कंबोडिया के, वो उसने इस्तेमाल किए और उसका साथ जो है भरत नेपाली ने दिया। बैंकॉक से जो कंबोडिया में छोटा राजन पहुंचा, वो पहुंचा सियाम रीप। सियाम रीप ये वही जगह है जहां पे दुनिया का सबसे बड़ा विष्णु टेम्पल है, जिसको अंकोर वॉट कहते हैं। अंकोर वॉट में के पास जो टाउन है वो सियाम रीप है, और वहां पे कुछ दिन तक छोटा राजन सियाम रीप के एक घर में रहा, एक बंगलो में रहा। और कहते हैं कि उस बंगलो में एक बार जो है कुछ चोर भी आ गए थे, और चोर जो है उसके घर में चोरी करके चले गए थे, लेकिन छोटा राजन वहां नहीं था। अब कंबोडिया से ये पहुंचता है ईरान। अब ईरान से में पहुंचने के लिए उसे एक बहुत ज्यादा जरूरत थी, वो थी पासपोर्ट की। और पासपोर्ट जो थे वो बनवाए थे सुनील सोन ने। सुनील सोन के बारे में बताने से पहले मैं एक चीज बताता हूं, जो गुरु साटम था। गुरु साटम जो है छोटा राजन से 1992 में मिला था, और गुरु साटम ने ही जो है रवि पुजारी के साथ मिलके बैंकॉक की टिप छोटा शकील को दी थी। और सुनील सोन जो था वो गुरु साटम का दोस्त था, और गुरु साटम ने ही सुनील सोन्स को जो है छोटा राजन से मिलवाया। और सुनील सोन्स ने जो है वो फेक पासपोर्ट्स का जो है एक कह सकते हैं कि जुगाड़ किया, एक अरेंजमेंट किया, और उसके बाद जो है छोटा राजन जो है वहाँ से ईरान पहुँचता है, मस्कट पहुँचता है और मलेशिया पहुँचता है। ईरान में एक मैं किस्सा बताता हूँ। ईरान में जब ये था तो वहाँ पे जो लोग थे साथ में, वो संतोष शेट्टी, भरत नेपाली, बंटी पांडे, फरीद तानाशाह, ये सब लोग जो थे ये हमेशा अकंपनी रहे छोटा राजन के साथ ईरान में। और ईरान में भरत नेपाली और छोटा राजन एक ही फ्लैट में रहते थे, और बाकी लोग जो हैं वो दूसरे फ्लैट में रहते थे। और कहते हैं संतोष शेट्टी भी भरत नेपाली और छोटा राजन के साथ वाले फ्लैट को शेयर करता था। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, संतोष शेट्टी जो है अलग फ्लैट में रहा करता था। छोटा राजन जो है ईरान में रहा, और ईरान में एक जो जो उसका फ्लैट था वहाँ पे एक मेड आया करती थी, और वो मेड जो थी वो उसकी खास हो गई, और कहते हैं कि इनका आपस में कोई रिलेशन था। ऐसी न्यूज़ में बहुत सारी खबरें भी आई थी, तो इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन इस ईरानी वुमेन जो है ये आगे भी ऑस्ट्रेलिया में देखी गई, वो मैं बाद में बताऊंगा। अब ये जो ईरान की जो हाउस कीपिंग वाली थी, कहते हैं कि राजन से इसका कुछ इंटीमेट था। खैर वो क्या था, इनकी ये पर्सनल लाइफ है, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन जब ये ईरान में था छोटा राजन, तो तब भी जो है छोटा शकील जो है इसको ढूंढ रहा था। एक बार की बात है कि इनमें से एक ग्रुप मेंबर शायद भरत नेपाली या छोटा आई मीन संतोष शेट्टी जो है वो इंडिया से जो है ईरान जा रहा था, या फिर दुबई से ईरान जा रहा था। और संतोष शेट्टी या भरत नेपाली को ये महसूस होता है कि उसका पीछा किया जा रहा है, क्योंकि जो लोगों को वो नोटिस कर रहा था, वो इस तरीके से नोटिस कर रहा था कि कोई शायद उसका पीछा कर रहा है। और वो बहुत कॉमन फेसेस जो हैं
फ्लाइट के चेंज के बाद, मतलब कि कनेक्टिंग फ्लाइट के चेंज के बाद भी वो दिखे, और जहां तक उसका घर था वहां तक वो दिखे। तो इसके बाद जो है संतोष शेट्टी ने जो है, या भरत नेपाली, ये जो दोनों लोग में से कोई थे जिनका पीछा किया गया था दुबई से या इंडिया से ईरान तक, वो छोटा राजन को बताते हैं कि शायद हमारा पीछा हुआ है और कुछ गड़बड़ है। और छोटा राजन जो है उस समय जो है फोन यूज किया करता था, इंटरनेट वाला और सैटेलाइट वाला। तो कहते हैं कि वो फोन की लोकेशन भी जो है छोटा शकील को मिल गई थी दोबारा से, और कुछ फोन कॉल्स टैप हुई थी जो हमारी इंडियन एजेंसीज ने भी टैप की थी, और उसकी वजह से कहते हैं कि छोटा राजन को जो है एक आइडिया हुआ कि उसको वहाँ पे भी ईरान में भी ट्रैक कर लिया गया है, और वो ईरान से जो है भाग के मलेशिया आ जाता है, और मलेशिया से जो है वो इंडोनेशिया जाता है, और इंडोनेशिया से जो है वो ऑस्ट्रेलिया जाता है। अब ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मलेशिया, इन तीन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया, और जो इसमें जो सबसे ज़्यादा इसकी मदद की पासपोर्ट्स में अक्वायर करने में, वो सुनील सोन्स ने की थी। तो आपको अब पता चल गया कि सुनील सोन जो है कितना इम्पोर्टेंट पर्सन रहा छोटा राजन की लाइफ में, और वो उसी ने उसको इंट्रोड्यूस कराया गुरु साटम ने, जिसने जो है छोटा राजन की इन्फॉर्मेशन छोटा शकील को दी थी। अब इसी बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं मुंबई में, क्योंकि 2000 के बाद रोहित वर्मा ख़त्म हो गया, तो जो सारी बागडोर थी वो भरत नेपाली और ये संतोष शेट्टी पे आ गई थी। लेकिन जो है इसके साथ साथ ही जो है छोटा राजन जो है अपने जो है गुट को और बढ़ाता रहा। तो इसमें जो एंट्री होती है वो एंट्री होती है संतोष महादेव सावंत की, जिसको अबू सावंत भी कहते हैं। अबू सावंत के खिलाफ जो है रेड कॉर्नर नोटिस है इंडिया की तरफ से, और जो अबू सावंत का एक पासपोर्ट है वो आप इस समय देख रहे हैं। दूसरी तरफ एक लड़की का यहाँ जिक्र आता है, वो लड़की है सुवंती, जो कि एक इंडोनेशियन लड़की है, और कहा जाता है कि ये बैंकॉक के बाद से छोटा राजन के ग्रुप में जुड़ी रही, और इसका पासपोर्ट आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये वो लड़की है जो कहते हैं कि इनके फेक डॉलर के बिजनेस में काम में थी, और ये काफ़ी कुछ इधर से उधर लेके जाया करती थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो बालू डोगरे था उसकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये छोटा राजन की केयर टेकर थी, और संतोष राज जो जो एक काइंड ऑफ अ गर्लफ्रेंड थी। लेकिन ये कितना कन्फर्म्ड है ये नहीं पता, लेकिन ये बात सच है कि ये जो है छोटा राजन के ग्रुप से जुड़ी हुई थी, और शायद जो है ये फेक डॉलर्स के बिजनेस में इनका साथ दिया करती थी। अब जब ये क्या कहते हैं छोटा राजन जो है 2006-2007 के बाद, जब भरत नेपाली और संतोष शेट्टी अलग हो गए, तो सारा कारोबार जो है अबू सावंत यानी संतोष महादेवन सावंत के ऊपर आ गया था। तो उसके बाद जो है ये काफ़ी कुछ जो है इसके ऊपर रिलायल हो गया अबू सावंत के ऊपर, तो सारा बिजनेस जो है अबू सावंत संभालने लगा। और कहते हैं कि इस समय जितनी भी प्रॉपर्टी सिंगापुर की और मलेशिया की है वो अबू सावंत के नाम पे ही है, और पूरा वो मैनेज कर रहा है। दूसरी तरफ इस समय वो जो है वो परमानेंट रेजिडेंस हो चुका है मलेशिया का या सिंगापुर का, इन दोनों एक कंट्रीज में से का, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यही है कि वो पूरा बिजनेस वहाँ से बैठ के संभाल रहा है। दूसरी तरफ जब छोटा राजन ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था, तो ऑस्ट्रेलिया की एक फ़ोटो हमारे पास है जो मैं आपको इस समय स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ये वो फ़ोटो है, कहते हैं कि जब सबसे पहली बार जो है छोटा राजन जो है ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था, तो ये वहाँ की फ़ोटो है। कुछ लोग कहते हैं कि ये अराउंड 2007-2008 की फ़ोटो है, कुछ कहते हैं कि ये लेट समवेयर आई मीन अर्ली 2010 के बाद की है। लेकिन ये वो फ़ोटो है कि जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था, तो एक बीच पे किनारे हो पे खड़े होके ये फ़ोटो खिंचवा रहा था। खैर ये बात सबको पता है कि छोटा राजन शायद कैमरा वो पसंद था, क्योंकि वो जितनी जगह जाता था उसके सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ्स देखने को मिले हैं, चाहे वो पार्टीज हुई, चाहे वो बैंकॉक की मैंने आपको जो एपिसोड दिखाया था उसमें बहुत सारे फोटोग्राफ्स थे। तो इसी तरीके से जो है कहते हैं कि छोटा राजन को शायद बहुत सारे फोटोग्राफ खिंचवाने का मन हुआ करता था।
दूसरी तरफ हमने कुछ चीज़ें निकालने की कोशिश करी जो कि इस एपिसोड में हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इस एपिसोड के बाद एक और हम ऑस्ट्रेलिया का एक और एपिसोड करेंगे जो कि छोटा राजन की डिटेल के साथ साथ जो है कुछ चीज़ें जो इसमें रह जाएंगी, आई मीन कुछ फ़ोन कॉल्स हो गई या कुछ और ऐसे फोटोग्राफ्स हो गए जो हम इसमें नहीं दिखा पाएंगे। ये एक तरीके से आपको जानकारी देने के लिए ये एपिसोड किया जा रहा है कि एक्चुअल में क्या क्या हुआ था, और उसके बहुत सारी जो डिटेल्स रह जाएंगी वो अगले एपिसोड में किया जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि ये दो पार्ट में ये एपिसोड आएगा। अब जब ये ऑस्ट्रेलिया में था तो ऑस्ट्रेलिया में इसको पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, तो पैसे के लिए जो है वो गुलरेज नाम का एक व्यक्ति था जो कि इसके लिए काम किया करता था और दुबई में रहा करता था गुलरेज, और गुलरेज जो है वो वहाँ से पैसा भेजा करता था दुबई से फीजी, फीजी भी नहीं, पहले पहुँचता था मलेशिया हवाला के थ्रू, और हवाला से रिसीव होता था मलेशिया, मलेशिया से जो है वो फॉरवर्ड होता था फीजी, फीजी में संतोष आई मीन सॉरी छोटा राजन का जो है एक रेस्टोरेंट है हुआ करता था और आज भी है कुछ लोग बताते हैं, और एक ट्रैवल एजेंसी है जो ट्रैवल एजेंसी जो उसने छोटा राजन ने वहाँ डाली फीजी में, वो इसलिए डाली कि वो मनी जो है हवाला के थ्रू रिसीव कर सके और अपनी फ्लाइट्स जो है वो खुद ही वहाँ से बुक कर सके उसी ट्रैवल एजेंसी से। अब उसके पीछे रीज़न क्या है ये भी मैं बताऊंगा कि इसने ट्रैवल एजेंसी क्यों डाली। ट्रैवल एजेंसी के दो सबसे बड़े फायदे, एक आप अपने ही स्टाफ से अपनी टिकटिंग करा रहे हैं, तो जब आप अपने स्टाफ से अपनी टिकटिंग करा रहे हैं तो आपको कोई ट्रैक नहीं कर सकता है। ट्रैक से मेरा मतलब है कि आपको सस्पिशियस में नहीं होंगे अपने स्टाफ के ऊपर या दूसरों के ऊपर कि आपकी इन्फॉर्मेशन कोई लीक कर देगा किसी थर्ड पार्टी को कि ये बंदा जो है इस फ्लाइट से जा रहा है। तो इसने अपनी जो ट्रैवल एजेंसी डाली उसके पीछे सबसे बड़ा चीज़ ये थी कि इसके जितने भी लोग थे वो अपनी ही ट्रैवल एजेंसी से टिकट बुक कराएं और उन्हीं के थ्रू आएं, और उनके थ्रू जो है जो पैसा है वो पैसा उसको मिले हवाला के थ्रू, और जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो हो सके इस ट्रैवल एजेंसी के थ्रू। तो आप सोचिए कि बैंकॉक अटैक के बाद छोटा राजन जो है कॉशियस तो हुआ ही हुआ लेकिन फोटोग्राफ खिंचवानी नहीं छोड़ी। दूसरी तरफ उसने बिजनेस ऑफ ऑपरेंडी भी चेंज की कि उसने अपनी ट्रैवल एजेंसी डाली जहाँ पे उसको अपने ट्रैवल टिकटिंग की सीक्रेसी रहती थी, अपने पासपोर्ट की सीक्रेसी रहती थी, सारी सीक्रेसी रहती थी, सिर्फ इसलिए उसने ट्रैवल एजेंसी डाली। तो जो पैसा मलेशिया से फीजी पहुंचता था वो उस ट्रैवल एजेंसी और उस रेस्टोरेंट के माध्यम से जो है वापस ऑस्ट्रेलिया जाता था जहाँ पे ये रहा करता था। ऑस्ट्रेलिया में भी छोटा राजन ने कई सारी जगहें बदली, वो मेलबर्न में भी रहा, वो सिडनी में भी रहा, क्योंकि सिडनी के अलावा वो एक और कैनबरा में भी रहा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वो बेस रहा वो मेलबर्न और सिडनी के बीच में रहा। और जब उसका घर था तो और जो वहाँ पे जो उसका घर था वहाँ पे फैमिली भी आया जाया करती थी क्योंकि शायद उसके परिवार के कुछ सदस्य जो है वहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे थे कुछ टाइम के लिए, और वो वहाँ से बाद में माइग्रेट हो जाते हैं। बाद में छोटा राजन जो है अकेले रहने लगता है ऑस्ट्रेलिया में, और जो अपने साथ रखता है वो अपने एक कुक को रखता है और अपने साथ चार पांच एक कुत्ते रखता है, यानी कि वो भी खासकर ब्रीड के रखता है कि जो गार्ड डॉग्स होते हैं जैसे रॉटवीलर्स हो गए डॉबरमैन हो गए, और जो ये जो ब्रीड्स हैं ये बहुत ही गार्ड डॉग्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा जो हैं क्या कहते हैं कि रखवाली और चौकीदारी के काम में आती हैं। तो इसने जो कुत्ते पाले थे चार पांच कुत्ते पाले थे अपनी रखवाली के लिए, और वो जो ब्रीड पाली थी वो पाली थी रॉटवीलर्स। अब बैंकॉक अटैक के बाद और 2006, 2007, 2008 में इसके साथ के जो जितने लोग थे वो सब धीरे धीरे कटने लगे थे, सबने अपना ग्रुप बना लिया था, और छोटा राजन ने ये रियलाइज़ कर लिया था कि इंसान से ज़्यादा इस समय मेरे को कुत्ते भी जो है मेरे को वफादारी दे सकते हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दे सकता है। तो उसने कुत्ते पाले और कुत्ते पाल के जो है उसने उनसे चौकीदारी कुत्तों से कराई, और इसी बीच में जो है एक और चीज़ होती है कि
जो कुछ लोग हैं, जो उसके खास लोग हैं, वो ही दोबारा से उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो कौन लोग थे वो मैं आपको इसी स्टोरी में आप जानेंगे। तो जो ट्रैवल एजेंसी थी वो उसकी टिकटिंग का काम करती थी और साथ ही साथ जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग करती थी। जो फीजी में जो उसका रेस्टोरेंट था वो भी जो है एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करा करता था। तो बहुत सारे जो इसने तरीके अपनाए कि जो इसका पैसा है वो कहीं पता ना चले, और खासकर ये अपना जो लाइफ है वो सिडनी और मेलबर्न के बीच में इंजॉय करता रहा, लेकिन बीच बीच में इंडोनेशिया और मलेशिया भी बिजनेस के सिलसिले में जाता रहा। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, 1992 का एक किस्सा बताना चाहता हूँ कि 1992 में छोटा राजन ने जो है 2 करोड़ का प्रॉफिट किया था। 92 की बात है और वो था मैंड्रेक्स का। मैंड्रेक्स का इन्होंने एक कंसाइनमेंट साउथ अफ्रीका भिजवाया था वाया दुबई, और उसमें जो है छोटा राजन को जो है एक प्रॉफिट मिला था। वो प्रॉफिट था 2 करोड़ का। तो सोचिए जो 2 करोड़ रुपए प्रॉफिट मिला वो भी एक तरीके से ब्लैक मनी था। तो ब्लैक मनी हमेशा जो ट्रैवल करता है वो हमेशा हवाला के थ्रू करता है, और हवाला की जो ज़्यादातर वर्क करती हैं वो ट्रैवल एजेंसी के थ्रू भी होता है। दूसरी तरफ एक और किस्सा मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार जो है छोटा राजन जो है बैंकॉक ऑस्ट्रेलिया से सिंगापुर पहुँचता है, तब उसके पास जो है इंग्लैंड का पासपोर्ट होता है। और इंग्लैंड का पासपोर्ट होने के साथ साथ जो है ये पासपोर्ट वही था जो सुनील सोन्स ने बनवाया था, जिसको हम लोग मुंडी कट पासपोर्ट कहते हैं दुनिया में। जो क्या कहते हैं अंडरवर्ल्ड के लोग हैं उसको मुंडीकट पासपोर्ट कहते हैं। वहाँ पे एक व्यक्ति था जो कि बहुत ही पावरफुल व्यक्ति था, बहुत वेल कनेक्टेड था, उसका नाम था स्टीवन। और स्टीवन की जो है वहाँ पे जो है बोट्स हुआ करती थी, यॉट हुआ करते थे मलेशिया में, मलेशिया और सिंगापुर के बीच में, सॉरी सिंगापुर में, नॉट इन मलेशिया, सिंगापुर में। तो जब ये ऑस्ट्रेलिया के से सिंगापुर पहुंचा था, इंग्लैंड के पासपोर्ट पे, तो या इंग्लैंड में शायद ये पहुंचा था, तो कुछ मलेशिया समवेयर, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट, लेकिन ये किस्सा हुआ था। और वहाँ पे जो इमिग्रेशन वाले थे वो इसका इंग्लिश पासपोर्ट देख के इसके ऊपर थोड़ा शक करते हैं। तो वो वहाँ से इसके बारे में, एक टावर है इंग्लैंड में, शायद बैन टावर है या कोई ऐसा टावर है, उसके बारे में पूछते हैं। तो छोटा राजन जो है वो जवाब नहीं दे पाता है। जब जवाब नहीं दे पाता है तो वो उसको जो है शायद वापस सिंगापुर भेजना होता है कनेक्टिंग के लिए कुछ, तो वहाँ सिंगापुर भेजा जाता है। सिंगापुर में इसको जो है शायद $10,000 या 1,000,000 डॉलर दे के ये एयरपोर्ट से निकलते हैं। और एयरपोर्ट से निकलने के बाद जो सिंगापुर है, सिंगापुर के जो समुद्री एरिया है वहाँ से ये जो है बोट लेके इंडोनेशिया पहुँचता है, भांतम आइलैंड। भांतम आइलैंड जो है वो सिंगापुर से आप ऐसे मान लीजिए 15-20 मिनट या आधे घंटे और मैक्सिमम 45 मिनट्स का शिप जर्नी। तो इन्होंने अपना अरेस्ट जो है बचने के लिए एक तो पैसा खर्च किया, और साथ ही साथ जो बोट यूज़ करी वो स्टीवन की बोट करी यूज़ करी, और वो जो पहुँचते हैं भांतम आइलैंड, वो भांतम आइलैंड में वही एरिया में पहुँचते हैं जहाँ पे इन्होंने ड्रग्स की फैक्ट्री लगाई थी। तो ये किस्सा मुझे जी कहानी सुनाते सुनाते आपको मैंने सोचा बता दूं, तो आपको और इनका मोड ऑफ ऑपरेंडी पता चलेगा। अब इसी तरीके से जो है छोटा राजन कभी मलेशिया, कभी सिंगापुर, और कभी इंडोनेशिया, और कभी ऑस्ट्रेलिया में रहा। लेकिन जो मोस्टली उसने टाइम अपना बिताया 2000 के बाद, वो बिताया ऑस्ट्रेलिया में। खैर वो ईरान में भी रहा, मस्कट में भी रहा, सब जगह रहा, लेकिन जो ज़्यादा टाइम उसने बिताया वो ऑस्ट्रेलिया में ही बिताया। अब जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे इसका जो घर था, उसका जो घर में जो था वो चौकीदारी के लिए कुत्ते थे और एक कुक था। न्यूज़ में एक चीज़ आई थी कि उसकी जो कॉल इंटरसेप्ट हुई थी, कि जो छोटा शकील को इन्फॉर्मेशन दे रहे थे वो शायद अनिल रितेश्वर का नाम आया था, लेकिन इस नाम का कोई व्यक्ति छोटा राजन के ग्रुप के साथ नहीं था, जितनी हमारी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। अब मुद्दा उठता है कि किसने इन्फॉर्मेशन दी छोटा राजन को, छोटा शकील की ऑस्ट्रेलिया में। आपको याद हो शरद शेट्टी मर्डर हुआ था, और शरद शेट्टी में जो मर्डर में जो पूरी प्लानिंग की थी वो विमल कुमार ने की थी।
शरद शेट्टी के मर्डर की पूरी कहानी मैं शायद दास्तान सीजन 2 में कर चुका हूं। अगर नहीं देखी है तो आप देखिएगा जरूर, क्योंकि आपको विमल के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। विमल एक ऐसा व्यक्ति था जो कि दुबई में रह के शरद शेट्टी के मर्डर की पूरी प्लानिंग करता है, और ये ही विमल वो है जो अंत में जाके ऑस्ट्रेलिया की खबर देता है छोटा शकील को। अब विमल और बाली ये दो भाई थे जो छोटा राजन के लिए बहुत ही खास थे और बहुत सारा बिजनेस संभाला करते थे, यहाँ तक कि हवाला भी संभाला करते थे, बहुत कुछ बिजनेस संभाला करते थे, और इतने खास थे कि छोटा राजन के बैंकॉक का बदला लेने के लिए विमल ने शरद शेट्टी के मर्डर की प्लानिंग की। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बाली और विमल जो है छोटा राजन की इन्फॉर्मेशन जो है दी छोटा शकील को। अब इसके बारे में कोई नहीं पता चला है कि इन दोनों ने इन्फॉर्मेशन क्यों दी, लेकिन विमल और बाली ये दो सगे भाई हैं जो कि छोटा राजन से बहुत ही शुरुआती दौर में जुड़े रहे, और बाली शायद मुंबई में रहा करता था और विमल जो है दुबई में था, लेकिन शरद शेट्टी के मर्डर के बाद कहते हैं कि वो दुबई से शिफ्ट हो गया था। अब इसके बाद जो है अब आती है बात, एक और व्यक्ति का नाम आता है यहाँ पे, विक्की मल्होत्रा, जो कि विक्की मल्होत्रा भी बहुत ही खास रहा छोटा राजन का, और कहते हैं कि वो इस समय कलकत्ता है, कोई कहता है मलेशिया है, कोई कहता है वो यहाँ से इंडिया से जा चुका है, लेकिन ये कहा जाता है कि विक्की मल्होत्रा भी जो है इसमें इन्फॉर्मेशन में देने में इन्वॉल्व था। ये क्यों कहा जाता है, ये इसका मैं आपको एक चीज रिकॉर्डिंग सुनवाऊंगा। दूसरी तरफ एक जो मैंने कहा कि फ़ोन कॉल इंटरसेप्ट की थी एजेंसीज ने मुंबई में या मुंबई के बाहर, उसमें अनिल रितेश्वर का नाम आया था। तो जो मैंने बताया अनिल रितेश्वर नाम का हमारी इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसा बंदा नहीं आया जो छोटा राजन से जुड़ा हो, तो वो जो कॉल इंटरसेप्ट हुई थी वो इंटरसेप्ट हुई थी विमल कुमार की। हमने प्रयास रहा कि हमें ये कॉल मिल जाए लेकिन मिल नहीं पाई, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो चीज़ें इस एपिसोड में रह गई हैं वो सेकंड एपिसोड में जो ऑस्ट्रेलिया पार्ट 2 होगा उसमें हम बहुत सारी चीज़ें आपको सुनवाएंगे। दूसरी तरफ ये बात सच है कि विमल और बाली ही दो व्यक्ति थे जिन्होंने छोटा शकील की इन्फॉर्म आई मीन छोटा राजन की इन्फॉर्मेशन छोटा शकील को दी। अब मैं वो चीज़ सुनवाता हूँ कि एक जगह छोटा राजन ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि हमें जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो विमल ने दी थी, और साथ में मेरी कॉन्फ्रेंस पे बात कराई थी विक्की मल्होत्रा से। और कई बार क्या है अंडरवर्ल्ड में दूसरों को फंसाने के लिए दूसरे का नाम लिया जाता है, और यही चीज़ जो है पूछी गई कि अगर जो है कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति जो है उस फला की व्यक्ति की नाम से बात कर रहा हो कॉन्फ्रेंस पे और आपको लग रहा हो कि ये वो व्यक्ति है, तो उस पे छोटा शकील ने कहा कि नहीं, हम मेरे को कन्फर्म्ड है वो आवाज़ जो थी विक्की मल्होत्रा की ही थी। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं कि हो सकता है कि विमल जो है विक्की मल्होत्रा के नाम पे किसी और से बात करा रहा हो, विक्की मल्होत्रा का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, क्योंकि इन एजेंसीज की तरफ से या किसी की भी तरफ से विक्की मल्होत्रा का नाम कहीं नहीं आया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन जब हम कर रहे थे, जो हम जानकारियाँ निकाल रहे थे, तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं आया था। लेकिन हाँ, विमल और बाली का नाम जरूर आया था, क्योंकि विक्की मल्होत्रा को इन्फॉर्मेशन देने का कोई कारण इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि छोटा राजन का अरेस्ट होना या नहीं होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो ऑलरेडी उतना बिजनेस और उतना कारोबार संभाल रहा था, और आज भी अरेस्ट होके छोटा राजन तिहाड़ में है, तो लेकिन उसके बाद भी जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो सर्वोसर्वा था ही शुरू से विक्की मल्होत्रा। तो अब सुनते हैं वो हिस्सा जहाँ पे छोटा शकील ने कहा मुझे जो इन्फॉर्मेशन है विमल ने और विक्की मल्होत्रा ने दी थी। ऑस्ट्रेलिया वाली इन्फॉर्मेशन आपको विमल के अलावा किसने? विमल ही था, विमल स्टार्ट में विमल ही आया मेरे पास फोन पे। फोन पे या मिला पर्सनली? ना 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 ना, पर्सनल मिलता मिलने का वो तो आ ही नहीं सकता, डर के मारे मिलेगा भी नहीं। और उसके पैसे के अलावा, लिए बस पैसे इन्फॉर्मेशन थी और कुछ भी नहीं था। वो और उसमें और कोई लोग भी इन्वॉल्व थे? कंफर्म विकी ने मेरे से कॉन्फ्रेंस पे 2 मरतबा बात की विकी और था या उसके ये नाम पे कोई और बात कर बात रहा करी। हाँ
वो कंफर्म विक्की था या उसके नाम पे कोई और बात कर रहा था, ऐसा भी तो हो सकता है। ना ना ना, विक्की था, विक्की था, विक्की था। कंफर्म 1 लाख टका। अच्छा 1 लाख टका, 100 भी नहीं। हाँ नहीं, कई बार ऐसा होता है कि कोई किसी को फोन करके कुछ भी बोल देता है, मैं ये बोल रहा हूँ तो पता। ना 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 ना, उसको तो मैं जानता भी हूँ ना अच्छी तरह से, मुझे पता है। ऐसे ही नहीं हवा में यार, वो देखो पूरी पिक्चर ऑन हुई है और उस पिक्चर को एजेंसी एजेंसी ने ऑन किया है कि भाई मैं ऑस्ट्रेलिया गया था छोटे राजन के लिए, फिर वहां से भागा, वो लोग ने उसको ऑन किया कि तेरा काम होने वाला है, तभी तो घर छोड़ के भागा ना। ये बात सच है कि विमल और बाली इसमें इन्वॉल्व थे, विक्की मल्होत्रा हो सकता है, क्योंकि फोन पे कौन किससे बात कर रहा है, किस नाम से बात कर रहा है, इसका पता नहीं चल सकता है कोई भी, अनटिल अनलेस आप उसकी आवाज को बहुत अच्छे से पहचानते हो। तो मैं इस चीज़ को नहीं कहता, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें जो हैं उलट फेर होता रहता है। अगर आपकी किसी से दुश्मनी है और आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आप उसका नाम बता देते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ भी कंफर्म करने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत कुछ जो है आप ऑस्ट्रेलिया पार्ट टू में भी देखेंगे। और आज की जो कहानी थी वो ये थी कि किस तरीके से जो दोस्त होते हैं वो कब दुश्मन बन जाते हैं, और जो दुश्मन होते हैं वो कब दोस्त बन जाते हैं, और आप जिनके ऊपर जो आपके लिए काम करते हैं, दुनिया से आपका लिए बदला लेते हैं, वो कब आपकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपके दुश्मन से मिल जाते हैं, ये अंडरवर्ल्ड में कोई नहीं जानता। आपने देखा कि कैसे गुरु साटम ने एक दोस्त मिलवाया जिसका नाम था सुनील सोन्स, जिसने उसके लिए पासपोर्ट बनवाए थे, लेकिन वही गुरु साटम जो है बैंकॉक की इन्फॉर्मेशन देता है। दूसरी तरफ बैंकॉक के हुए हमले का बदला लेने के लिए विमल कुमार जो है शरद शेट्टी का मर्डर दुबई में करता है, लेकिन वही विमल कुमार 2015 में हाँ जो है छोटा शकील को, छोटा राजन की इन्फॉर्मेशन ऑस्ट्रेलिया की देता है। तो कब क्या अंडरवर्ल्ड में होता है ये कोई नहीं जानता। ऑस्ट्रेलिया पार्ट टू भी हम लेके आएंगे, तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में।